फोर्स पर यूनिट एरिया। और सेम एस्पेक्ट बेटा, अगर इसी पॉइंट पर डेंसिटी की बात करें, ये डेंसिटी बराबर किसकी होती है मेरे बेटे, मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन उस वॉल्यूम को हम यू लिखते हैं छोटे, एरिया डॉट डिस्टेंस, एरिया डॉट डिस्टेंस। सेम एज इट, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो गैमा पी ओवर मेरे बेटे डेंसिटी। क्लियर? अब देखें इसका एक मैकेनिज्म देखते हैं कि जब आप लोग मेरे बेटे प्रेशर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। प्रेशर क्या करते हो बेटा, इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो मस्ट है मेरे बेटे एरिया क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्लियर? अगर आपके पास एरिया डिक्रीज है तो मस्ट है मेरे बेटे के डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा? अब अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो मस्ट है मेरे बेटे स्पीड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहना ये चाहते हैं मेरे बेटे कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, क्या करते हो बेटा, प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर के इंक्रीज होने से बेटा डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रेशर को इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। यानी बेसिकली हम इसे यूं लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास प्रेशर है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मेरे बेटे, डेंसिटी के। इसके अलावा डेंसिटी, यानी जैसे आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर के इंक्रीज करने से डेंसिटी भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। अगर सिंपल हम अब स्पीड का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, अकॉर्डिंग टू लैप्लास रिलेशन, v इज इक्वल टू p ओवर डेंसिटी। अब देखें यहाँ पे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वैसे क्या इंक्रीज होती है मेरे बेटे, डेंसिटी। इट मीन के जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या मेरे बेटे, बेसिकली ये जो आपके पास पॉइंट बना है मेरे बेटे, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, कि ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पर डिपेंड क्यों नहीं करता मेरे बेटे, क्योंकि इसकी एक रीजन है कि ये जो आपके पास प्रेशर है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है मेरे बेटे, डेंसिटी के। इसके बेटा डेंसिटी, यानी जैसे आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर क्या करोगे बेटा, प्रेशर के इंक्रीज करने से डेंसिटी भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अब लेट्स से हम कह देते हैं कि ये जो आपके पास इनिशियल प्रेशर है बेटा, लेट्स से बराबर किसके है मेरे बेटे, 2p। सेम एज इट, इसकी जो इनिशियल डेंसिटी होगी वो बराबर किसकी होगी मेरे बेटे, 2ρ। अब दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें तो बेसिकली v बराबर किसके बनेगा मेरे बेटे, 2p ओवर मेरे बेटे 2ρ के। ये टर्म इस टर्म से बेटा कैंसिल, तो अगेन वही रिजल्ट मिला, p ओवर मेरे बेटे डेंसिटी। अगर आप लोग तीसरा इसकी एमसीक्यूज इस पॉइंट पे चेक करें, अगर प्रेशर को आप 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, यानी p बराबर किसके हो जाए मेरे बेटे, 3p। सेम एज इट, जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा बेटा वैसे आपके पास क्या इंक्रीज करेगी मेरे बेटे, डेंसिटी। अगर प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो मस्ट है कि डेंसिटी भी कितनी इंक्रीज होगी बेटा, 3 टाइम्स। तो दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में अगेन पुट कर दें तो v बराबर किसके होगा बेटा, p ओवर डेंसिटी अंडर रूट। अब वैल्यूज को पुट कर दें छोटे, ये बराबर बनेगा बेटा 3p ओवर मेरे बेटे 3ρ होल पावर अंडर रूट। अब 3 से 3 मेरे बेटे कैंसिल, तो वही टर्म बन गई, रूट p ओवर बेटा डेंसिटी। इट मींस कि जैसे जैसे बेटा आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर के इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होती है मेरे बेटे, इंक्रीज। अब ये दोनों फैक्टर आपस में क्या है मेरे बेटे, डायरेक्टली
मोशन है. इट मीन के जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एनी गैसेस के अंदर वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि स्पीड का जो ताल्लुक है, स्पीड का जो रिलेशन है मेरे बेटे, वो प्रेशर के साथ भी है और मेरे बेटे डेंसिटी के साथ भी है. और प्रेशर और डेंसिटी आपस में क्या है मेरे बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं मेरे बेटे, कैंसिल करते हैं. इतनी कि ये जो स्पीड होती है साउंड की, ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती. अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है मेरे बेटे, लेट्स से टेंपरेचर. अब याद रखें, जब आप किसी भी मेरे बेटे गैस मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो छोटे, टेंपरेचर इंक्रीज करते हो किसका मेरे बेटे, गैस मॉलिक्यूल्स का. अब याद रखें, जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, मस्ट है मेरे बेटे जो कोलाइंस होती है, कोलाइन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या करेगी मेरे बेटे, इंक्रीज करेगी. क्या करेगी बाबा, इंक्रीज. जब कोलाइन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करती है, मस्ट है मेरे बेटे कि उनका जो एम्पलीट्यूड इफेक्ट होता है वो भी क्या करता है मेरे बेटे, इंक्रीज. एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा तो मस्ट है मेरे बेटे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे मेरे बेटे, इंक्रीज करेंगे. क्या करेंगे बाबा, अब देखें, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मस्ट है मेरे बेटे उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी. क्या करेगी छोटे, डिक्रीज. क्लियर मेरे बेटे. अब देखें, अगर हम इसके ताल्लुक को देखें तो बेसिकली आपके पास जो डेंसिटी है बेटा बराबर होती है मास बटे वॉल्यूम. जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है. और सेम एज इट अगर हम प्रोसेस देखते हैं स्पीड का, तो गामा पी ओवर मेरे बेटे डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी. अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो स्पीड क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी. यानी इस पॉइंट पर अगर हम वेरीफाई कर दें तो बेसिकली लिख सकते हैं छोटे, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इंक्रीज करती है बेटा व्हेन टेंपरेचर of gas molecules must be increased. जैसे आप तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेरे बेटे स्पीड क्या होगी बाबा, इंक्रीज करेगी. स्पीड क्या करेगी बाबा, इंक्रीज करेगी. अब इसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखिएगा जरा. अब देखिए बेटा, बेसिकली आपके पास है स्पीड वेस, दैट बिकम्स इक्वल टू गामा पी ओवर डेंसिटी होल अंडर रूट. इस रिलेशन को मेरे बेटे आप जनरल रिलेशंस बोलते हो. ये आपके पास जनरल इक्वेशंस है. अब सिंपल इस पॉइंट पर आते हैं, व्हेन टेंपरेचर, कि जब आपके पास मेरे बेटे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर कितना था मेरे बेटे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था बेटा, तो फिर जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड थी, क्या थी बाबा, स्पीड ऑफ साउंड, ये बराबर किसके थी मेरे बेटे, लेट्स से वी नॉट के, इसके बराबर बेटा वी नॉट के. सेम एज इट, ये जो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होगी मेरे बेटे, रो नॉट, इसके बराबर बाबा रो नॉट. सेम एज इट मेरे बेटे, ये तो आपके पास एक इनिशियल कंडीशन थी. अब अपने टेंपरेचर क्या करना है बेटा, इंक्रीज.